Hey guys, welcome to my new vlog. और अभी जो है टाइम हो रहा है 10, मतलब रात के 10 बज रहा है। काम से मैं आया हूँ और आज क्या हुआ कि काम जब मैं कर रहा था तो यार जो सोफे में जो कील लगाई जाती है, जूते वाली कील, वो मेरे पैर में एकदम मतलब अंदर चली गई, घुस गई। तो भाई बहुत तेज से दर्द हो रहा है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट पैर दिखाता हूँ कहाँ पे जो है कीली घुसी थी। यहाँ पे इस जगह ये जो है इस जगह कीली घुसी थी। यहाँ देखो हटा हुआ लग रहा ना, यहाँ पूरी कीली अंदर चली गई थी जूते वाली। अब देखो मम्मी कौन सी टेक्निक करके आई है, अब वो सही करेंगे दर्द। ये क्या है बताइए मम्मी, पहले क्या है ये? करू तेल है, हल्दी है, क्या करने के लिए लाए हैं ये बताइए? गरम करके लाए, इसमें भरने के लिए, दर्द खत्म हो जाएगा। जहाँ मेरे कीली घुसी हुई है, यहाँ घुसी है, नहीं नहीं ये हाँ ये ठंडा हो जाएगा, पहले रख लो, हटाओ हाथ हटाओ। ये मेरी कीली घुसी हुई है तो यहीं पे मम्मी देखो गरम गरम जो तेल है, कड़वा तेल, उसे रख रही हूँ वहाँ पे, जहाँ पे क्योंकि कीली जहाँ घुसी थी वहाँ बहुत तेज जो है दर्द हो रहा है और ये तेल बहुत ज्यादा गर्म है। ये गरम गरम तेल वहीं पे जहाँ पे मेरी कीली घुसी थी वहीं पे मम्मी रख रही हैं, बहुत आराम से रख रही हैं। हमें दर्द नहीं हो रहा है, पहली बार तो ये गर्म ही नहीं लग रहा हमें, गरम था लेते। गरम का नहीं लग रहा, अब आप छू के देखिए गरम है, गरम है तो मेरे तो गरम क्यों नहीं लग रहा? चोटी कटा रहा, छोटी पोटी यहाँ कहा छोटी पोटी ज्यादा कटाता, मोटी खाल रही थी यहाँ। जब सुइया लगवा लेते टेस्टनेस वाला, जा लगवा के आओ, दिन भर दिन ज्यादा कितना हम चलते हैं, जाओ पैसा दे रहे, जाओ लगवा के आओ। अभी जा रहे हम टेटनेस की सुई भी लगवा लेंगे। तो गरम गरम तेल डालने से ये होता है कि जो दर्द होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब माचिस तेल ही जला के रखिए, जो पहले जगह करते थे माचिस तेल लगा के वैसे करिए। हम चल रहे दर्द हो रहा है ना, चल रहे अभी दर्द हो रहा है, पूरी कीली अंदर घुस गई थी। एक तो ये हो सकता है कि जहाँ पे मतलब जहाँ कीली घुसी थी वहां पे जो है गरम गरम तेल जिसमें मम्मी डाल लें ये, और इसके बाद जो है माचिस की तीली हम जो लगा करते थे वो करिए, दिया लाना पड़ेगा जो भी करते थे कहिए, दर्द नहीं गया ना। हाँ तो दिया जलाते हैं तो दर्द देते हैं, वो करिए वही चीज। मम्मी जो है मम्मी ने जो है गरम गरम जो है तेल अभी पैर में जहाँ पे जो कीली घुसी थी वहां पे गरम गरम तेल रखा है, क्योंकि जो है वहाँ गरम गरम जहाँ पे कीली घुसी होती है वहां पे गरम 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 करके बहुत तेज खोलता है तेल, एक एक बूंद उठा के कपड़े से चाहे कैसे भी उस जगह रखो जहाँ पे कीली लगी है तो दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड इसके बाद दूसरी चीज जो है जो मम्मी करती थी हमेशा बचपन से, जब हम लोग एक कांटा घुस जाता था या कीली घुस जाती थी तो मम्मी वही करती थी, गरम गरम माचिस जला के तेल को उसमें तेल में बोर के और दिए में छुआ के माचिस की तीली गरम गरम तेल तब चुहाती थी वहां पे, तो जो दर्द अगले दिन पूरा पूरी तरीके से दर्द खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता भाई। तो वही जो है मम्मी अभी करने जा रही है, करेंगे तो बस ये कि कल मेरा दर्द नहीं हो, कल काम पे जाना है तो दिक्कत हो जाएगी अगर दर्द होगा तो, इसलिए अभी मम्मी जो है दिया वगैरह दीप वीप जो व्यवस्था करने गई है और दीप वीप जला के जो है अभी करेंगे तो हम दिखा देंगे किस तरह से जो है कर रही है। बहुत तेज दर्द हो रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, समझ लो मतलब जो चीली घुसी थी ना तो पूरा पूरा मतलब अंदर घुस गई थी, हड्डी जो होती है हड्डी तक चली गई थी, बहुत पूरी कीली अंदर चली गई थी, मैंने हाथ से निकाला है, बहुत तेज दर्द हो रहा था बहुत तेज, तो बस वही अब थोड़ा दर्द हो रहा चलने में, तो मम्मी जो सब चीज कर रही है अभी दिया ये जला के देखो करती है तो वो भी दिखाते कैसे वो करती है। भाई इससे ये होता है कि दर्द बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, मतलब ये करने के बाद अभी आज मेरे दर्द हो रहा भले चलने वाले में, अब कल जब मैं सो के उठूंगा तो पूरी तरह से दर्द खत्म खत्म हो जाएगा पूरी तरह दर्द, अगर होगा तो कल के ब्लॉग में मिल जाएगा, दिखा दूंगा या फिर बता दूंगा मैं। तो अभी जो है मम्मी सब कुछ कर रही है, इसके बाद आएंगे, और अभी जो तेल पड़ा था वो मुझे गर्म नहीं लगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं लगा, इतना
बट अब गर्म लगेगा क्योंकि अब जो सीधा डायरेक्ट आग से मतलब दिए से डायरेक्ट आग से तेल को गर्म करके रखा जाएगा तो वो तेल गर्म होगा, वो असर करेगा और उससे जो है पूरी तरह से दर्द भी खत्म हो जाएगा और मतलब आगे हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अभी चलो मम्मी आती है फिर आगे का वीडियो शूट करते हैं। अभी समझ लो भाई चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, नीचे पैर में घुस गई ना जस्ट नीचे तलने में, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। पूरा पैर हम रखते हैं इसे जमीन में पूरा पूरा तो दर्द हो रहा है। चलो हो गया सब, दिया कहाँ है? ये दिया है, जलाई दिया जलाई, करिए फटाफट से दर्द खत्म हो बस। आइए तो देखो यार मम्मी अभी दिया जलाएंगे और दिया जलाने के बाद में डायरेक्ट ना इससे करके माचिस तिल करके तेल करके रखा जाता ना। बैठे काम बिस्तर में बैठे ऐसे ही कर ले रहे पैर जैसे करे थे। सो लो भाई हालत खराब मेरी हो रही है। हाँ ठीक है यही जगह है, हाँ इसी जगह है। हाँ गरम गरम ठीक ऐसे ही डालिए, ऐसे ही आराम मिलेगा। जब तक गर्म नहीं होगा तीली गरम गरम तेल नहीं डालेंगे तब तक नहीं आराम मिलेगा। हाँ थोड़ा गरम गरम है, सवेरे डाल ठीक हो गया। दोबारा रखिए एकदम गरम गरम रखिए, खूब गरम करके रखिए। हाँ पहले इतने ही गरम तो रखते थे आप, जितना गरम अभी रख के एकदम आग ही न रख दीजिए बस। हाँ भाई साहब बहुत गर्म लग रहा है, ये देखो पैर की हालत, ठंडा ठंडा लगा ये, ठंडा 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 है वो लाए तो पोछने के लिए जो लगा है माटी। अरे मट्टी लगा रहे नीचे कल फिर रखेंगे का कल सुबह फिर रख देंगे, एक बार फिर से सुबह रखा जाएगा भाई। इसके बाद पूरी तरह से गर्म है गर्म है गर्म है गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है बस करिए तो जाएगा। इतना ज्यादा गर्म न रखिए, इतना ज्यादा गर्म न रखिए ये लगने लगे, ज्यादा गर्म न रखिएगा बस 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 परा है बस। अंदर गया ना अब बस लग रही है बस अब आराम मिल जाएगा। अब कल लगाएंगे भाई, अब जितना भी होगा इसमें तेल डाल दिया गया गरम गरम तो अब जो है दर्द जो कीली का जो दर्द होता है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो भाई साहब। अभी भी जो है तेल पड़ा है मेरे को पैर ऐसे करे भाई बहुत ज्यादा गर्म है यार। तो कल सुबह फिर से एक बार डाला जाएगा जिससे दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से।
तो कल सुबह जो है पहले तो मुझे वीडियो अपलोड अभी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा वीडियो जो है सुबह 5 बजे तक आ जाता है, तो आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा तो मतलब मेरा पैर सही हुआ कि नहीं पूरी तरीके से। वैसे पूरी तरह से सही हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा हो जाता है अगर कांटा घुस गया या कीली घुस गई या कुछ भी घुस गया हो पैर में, तो उसके लिए ये बेस्ट है इलाज। दवा ववा खाओ वो सब चीजें एक अलग हो गई, बट ये एक अलग चीज है, नेक्स्ट लेवल का इलाज है ये, बहुत अच्छा है। तो बस यार आई होप आपको मेरे ब्लॉग जो है अच्छे लगते होंगे, अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट करो, तब मैं जो है पर डे ब्लॉग शूट करा करूंगा और पर डे ब्लॉग बनाया करूंगा ताकि मुझे जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ब्लॉग बनाने के लिए। एंड थैंक यू गाइस, इस तरह से जो है ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहो। बाय बाय, फिर से मिलते हैं जो फिर से एक नए ब्लॉग में। बाय।